जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएसबी शास्त्र सीमा बल की तरफ से जो है 1522 सीटों पर जो है भर्ती आई हुई है ट्रेड्सवेल की। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम बंदों को यहाँ पर फेस हो रही है, जिन बंदों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, क्या वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं? दोस्तों मैंने जो आज एक वीडियो देखी, उस वीडियो में जो है एकदम विस्तार से बताया हुआ था कि जिन बंदों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिन बंदों के पास है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो ड्राइवरी लेवल की जो पोस्ट है उसमें जो है अगर जिन बंदों के पास बाइक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों आप ये सब वीडियो से बहुत ही दूर रहे, ये जो है थोड़ी सी व्यू के लिए, थोड़े से पैसों के लिए जो गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं बंदों को, जिससे कि दोस्तों आप फॉर्म फिल कर देंगे, जिन बंदों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं है वो भी फॉर्म फिल कर देंगे, जिन बंदों के पास है वो भी भर देंगे, और जिनके पास बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस है वो ड्राइवरी वाली पोस्ट में फॉर्म फिल कर देंगे। लेकिन लास्ट में क्या होगा, उनका पैसा भी डूब जाएगा, उनका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, इनकी आपकी जो सारी मेहनत जो है बेकार हो जाएगी। दोस्तों इसलिए जो है इस वीडियो में जो है तीन चीज़ों पर जो है बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट बात ये रहेगी, क्या इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और अगर जिस बंदों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो वो भी क्या इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और दूसरी बात ये दोस्तों कि जो ड्राइवरी पोस्ट के लिए क्या हो, अगर जिन बंदों के पास बाइक का ड्राइवरी लाइसेंस है क्या वो ड्राइवरी के लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। और तीसरा दोस्तों, अगर जिन बंदों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है, वो ट्रेड सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो कोई भी शक नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपका सारा शक जो है सारा जो है क्लियर हो जाएगा, आपका एक एक करके जो दोस्तों मैं इस पे जो आपका जो सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दूंगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आपको हर जॉब की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो इसकी सारी डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों जान लेते हैं क्या इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन है वो देखना पड़ेगा, उसी के बाद ही जो है ये जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा कि इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, और चाहिए भी तो कितने ईयर का चाहिए। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी पीडीएफ फाइल देख लेते हैं। ये जो है फ्रेंड इसकी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसकी नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड कर ले तो आप जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसमें जो हम जान लेते हैं इसमें जो है क्या क्या इसकी जो है डिटेल्स मांग रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो दोस्तों ट्रेड्स की है ये सब तो आप लोग जानते ही है, कितनी भर्ती है कितना यहाँ पर है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं ड्राइवरी में कि इसमें जो है किसी बंदों के पास अगर बाइक का भी डीएल रहेगा तो क्या वो अप्लाई कर पाएंगे, ये कन्फ्यूजन सबसे पहले हम दूर कर देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए। दोस्तों इसमें जो ओनली फॉर सिर्फ जो मेल कैंडिडेट भर सकते हैं जिनकी एज जो है 21 से 7 ईयर होनी चाहिए, और इसमें जो क्वालिफिकेशन और जो है डीएल कैसा मांग रहा है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट में लिखा मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब इसका अगर आप 10th पास है तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है मस्ट प्रोसेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब दोस्तों आपके पास जो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा तभी आप जो है कॉन्स्टेबल ड्राइवर पद पर जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैवी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपके पास जो है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग आ जाते हैं और ट्रेड्समैन के बारे में भी जान लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की। दोस्तों जैसा कि इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं पहले कारपेंटर प्लम्बर और पेंटर की, इसमें दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है, क्या इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे वाशरमैन कुक बार्बर सफाई वाला वाटर कैरियर गार्डनर कोबलर की। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कॉन्स्टेबल कारपेंटर की प्लम्बर। इसमें दोस्तों आपका जो फर्स्ट पे पॉइंट दिया हुआ इसमें जो है आपकी एज जो है 18 से 25 ईयर होनी चाहिए, और इसमें जो दोस्तों आपका जो मैट्रिकुलेशन है इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब दोस्तों आपका जो है मैट्रिक पास होना जरूरी है। और साथ साथ में दोस्तों अगर आपके पास 2 ईयर का भी एक्सपीरियंस है इसमें, मतलब कि प्लम्बर में पेंटर में कारपेंटर में, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर 2 ईयर का भी नहीं है, अगर आपके पास जो है 1 ईयर का भी जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने जो है इसमें डिप्लोमा भी किया है इन तीनों ट्रेड में किसी में भी तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसका मतलब ये कि इसमें जो है आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग फिर बात कर लेते हैं कॉन्स्टेबल कुक वाशरमैन बार्बर सफाई वाला वाटर कैरियर वेटर टेलर गार्डनर एंड कोबलर में। इसमें भी दोस्तों आपका जो है वही
प्रीफेस दिया, इस पर भी आपका जो 10th पास होना चाहिए, आपकी एज जो है 18 से 23 ईयर होनी चाहिए। इस पर भी जो आपका इस ट्रेड में अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएगा। अगर आपके पास 1 ईयर का भी सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएगा। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से इस ट्रेड में अगर आपने काम किया है, डिप्लोमा किया है, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें सबसे पहला जो बेनिफिट है फ्रेंड्स वो है ये है कि दोस्तों अगर आप जो है मल्टी क्वालिफाइड ट्रेड, आपको जो है पहला जो है आपको क्वालिफाइड जो है इसमें ट्रेड टेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा जो है दोस्तों अगर आप मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट है, मतलब आप जो है हर तरह का काम कर पाते हैं, जैसा कि अगर आप सफाई वाला है, सफाई में डाल रहे हैं, बारबर में डाल रहे हैं, अगर आप वाटर कैरियर में डाल रहे हैं, अगर आप खाना बनाने आता है, अगर खाना बनाने आपको 2-4 टाइप्स की अगर आप खाना बना लेते हैं तो आपको जो है वहाँ पर जो है परफॉर्मेंस जो है प्रीफ्रेंस दिया जाएगा, आपको जो नंबर में जो है आपको छूट दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग क्या जिन बंदों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही शब्द हम अपनी जो है बात को यहाँ पर ये कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। अगर जिन बंदों के पास भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो वो ये जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे किसी भी हाल में। इसलिए दोस्तों आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भरें। जिन बंदों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और तीसरे पॉइंट जो है दोस्तों ये था कि ट्रेड सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। दोस्तों जिन बंदों को भी जो ट्रेड सर्टिफिकेट, अगर आपके विलेज में आप जहाँ भी रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आसपास में आपका जिस भी ट्रेड्स का बनवाना है तो आप वहाँ पता कर ले। अगर वहाँ बनता है तो ठीक है, बनवा सकते हैं। अगर आपका वहाँ ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है तो आपको जो है इस वीडियो में जो एक नंबर दिया हुआ होगा उस नंबर पर जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारा जो है एक बंदा है वो जो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगा, उससे जो वो जो है आपको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड कर देगा, वो जो है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है बनवा देगा। तो दोस्तों इस पे जो एक वो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके अगर आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आपके स्टेट में, आपके जो गांव में अगर नहीं बन रहा है तो आप कॉन्टेक्ट करके बनवा सकते हैं। किसी भी ट्रेड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा वो जो आपका बन जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों अब आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं हुआ होगा, आपके मन में जितने भी डाउट्स हो गए वो सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछना है, अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का भी सवाल है तो आप जो है कॉमेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।